उतना ही वो ग्लोबल एप्लीकेशन का भी माध्यम बनेगी। हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या के बीच आपको जो एक्सपेरिमेंट सफल होकर निकालेगा वो दुनिया में कहीं पर भी असफल नहीं होगा। साथियों, आप ये जानते हैं कि ऐसे समय में जब दुनिया क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से जूझ रही है, भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस आइसा का विचार दुनिया के सामने रखा और इसे मूर्त रूप दिया। आज दुनिया के अनेक देश भारत द्वारा शुरू किए गए इस अभियान से जुड़ रहे हैं। अब हम पर दायित्व है कि हम इस अभियान को और आगे ले जाएं। क्या हम दुनिया को सस्ती, एफोर्डेबल, एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी दे सकते हैं जो भारत की इस पहल को और आगे ले जाए, भारत की पहचान को और मजबूत करें? आज भारत उन देशों में से है जहां सोलर पावर की कीमत प्रति यूनिट बहुत कम है, लेकिन घर घर तक सोलर पावर पहुंचाने के लिए अब भी बहुत चुनौतियां हैं। मैंने तो एक बार कहा भी था, मैं आईआईटी के स्टूडेंट के सामने जरूर कहूंगा कि अगर मान लीजिए हम क्लीन कुकिंग की मूवमेंट चलाएं और सोलर के आधार पर ही घर में चूल्हा जलता हो और सोलर के आधार पर ही घर के लिए आवश्यक एनर्जी स्टोरेज की बैटरी की व्यवस्था हम बना सकते हैं। आप देखिए, हिंदुस्तान में 25 करोड़ चूल्हे हैं, 25 करोड़ घरों में चूल्हे हैं, 25 करोड़ का मार्केट है। अगर इसमें सफलता मिल गई तो जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए सस्ती बैटरी की जो खोज हो रही है वो उसको एक क्रॉस सब्सिडाइज कर देगा। अब ये काम आईआईटी के नौजवानों से बढ़कर के कौन कर सकता है? भारत को ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो एनवायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाए, ड्यूरेबल हो और लोग ज्यादा आसानी से उसका इस्तेमाल कर पाए। साथियों, डिजास्टर मैनेजमेंट भी एक ऐसा विषय है जिस पर भारत ने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। बड़े डिजास्टर में जीवन के साथ ही सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचता है। इसे समझते हुए भारत ने 2 वर्ष पूर्व संयुक्त राष्ट्र में कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI का आह्वान किया था। दुनिया के अनेक देश भी इससे जुड़ रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर भारत की चिंता, भारत की पहल को समझ रहे हैं। आज दुनिया उसका स्वागत कर रही है। ऐसे समय में भारत के टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स, उन पर भी नजरें ही स्वाभाविक है कि डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में दुनिया को क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं। देश में आज जो छोटे बड़े घरों का निर्माण होता है, इमारतों का निर्माण होता है, उसे हम टेक्नोलॉजी की मदद से डिजास्टर प्रूफ कैसे कर सकते हैं, इस बारे में हमें सोचना होगा। बड़े बड़े ब्रिज बनते हैं, एक तूफान आ जाए सब तबाह हो जाता है।